शहर के नया बस स्टैंड पर कार की टक्कर से युवक घायल, गुस्साए लोगों ने कार के शीशे फोड़े। शिवपुरी शहर के कोतवाली क्षेत्र के पोहरी बस स्टैंड पर बुधवार की रात एक कार ने बस स्टैंड पर खड़े एक युवक में जोरदार टक्कर मार दी। कार की टक्कर से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तड़पता देख मौके पर मौजूद लोगों ने कार के शीशे फोड़ दिए। शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना में लिया। बताया गया है कि कार में ठर्रा और मनियर के रहने वाले दो दोस्त सवार थे। दोनों ही शराब के नशे में थे, इसी के चलते लोगों ने कार में तोड़फोड़ कर दी। सिंहनिवास गांव के रहने वाले 24 साल के संदीप यादव ने बताया कि मैं अपने दोस्त बीकेंद्र रावत के साथ बस स्टैंड गेट के पास सड़क किनारे खड़े था, तभी कार बस स्टैंड के भीतर घुसी और मुझमें जोरदार टक्कर मार दी। कार की टक्कर से मैं गंभीर रूप से घायल हो गया था। मुझे मेरे दोस्तों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।